आज हमने जाना है राशन लेने के लिए। बहुत प्यारा मौसम, मेरा दिल कर रहा है मैं ऐसे ऐसे करके घूमूं। ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तुम उसको बहुत अच्छी लगती हो। बेसन, चाय की पत्ती, खजूर, घी, दाल, नमक, चावल, डन। राशन बॉक्सेस जो है वो रेडी हो रहे हैं। पार्टिकल परात जा रही है, एक लैम्बोर्गिनी, एक BMW, एक ऑडी। ये देखो यहाँ बैठ के अंडा बर्गर पार्टी कर रही है। ये बंद हो जाए बस, अल्लाह अल्लाह करके। मैं कहाँ बैठूँ, देखो जरा मेरे सिर पे चढ़ के बैठ। Everyone, welcome to Sistrology. This is me, Krakawal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों का रमजान बहुत बेहतरीन जा रहा होगा, आप लोगों के रोजे बहुत अच्छे गुजरे होंगे, क्योंकि कुदरत खुदावंदी से जो है वो हमारा मौसम इतना अच्छा हुआ है। लाहौर का स्पेशली इतना प्यारा मौसम है। आई डोंट नो कराची की क्या सूरत हाल है। बहुत से लोग मुझे इंडिया से भी देख रहे हैं, वहां से कुछ लोग रोजे रख रहे हैं, कुछ लोग नहीं रख रहे। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं। तो सहरी से दिन तो स्टार्ट हो गया था, नमाज वगैरह भी पढ़ ली, सो गए, अभी उठी हूँ तो अब जोहर की नमाज पढ़ूंगी। आज हमने जाना है राशन लेने के लिए। एज यू नो कि मैंने आपको कहा था कि मेरा जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा मैं उसमें डोनेट करूंगी। तो मैंने सोचा कि मैं बाद का इंतजार क्यों करूं, अभी से मैं स्टार्ट करूं। अब ये करना है कि हम लोगों को लेने के लिए जाना है बॉक्सेस, पहले मैं रेडी होती हूँ तो आप मेरे साथ रहिए। जी, तो मैंने अपनी नमाज पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त जो है वो टाइम हो रहा है 2:30 बजे। क्या ड्रेस आज मैं पहनने वाली हूँ, आज की मेरी लुक क्या होगी आपके सामने होगी, क्योंकि आज मुझे उस ड्रेस में पिक्चर्स भी बनानी है, रुके मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी, क्योंकि ईद के कुछ आउटफिट्स आ रहे हैं, रुके अपने पोस्टिंग वोस्टिंग करनी है, तो वो काम भी करना है और राशन लेने के लिए भी जाना, तो वो भी मेरे साथ रहे। आज बड़ा मसरूफ डे है, लेट्स गो। तो ये है आपकी ट्रिप फॉर लुक। ये बहुत से लोगों ने ईद के कपड़े, अभी मैं पिक्चर्स बनाने लगी हूँ ईद इंस्पो लुक। कुछ मैंने इतनी लंबी हील पहन ली, इतनी लंबी, और ये बहुत अनकंफर्टेबल है, और पिक्चर्स लेना भी मजबूरी है क्योंकि ब्रांड बार बार बोल रहा है। हाँ, मेरा शूट डन हो गया और मेरे अम्मी अब्बू दोनों बाहर आके देख रहे कि ये लड़की रोजे के साथ इतनी लंबी हील पहन के किस तरह से कसरत कर रही है। ये देखिए मेरी हील का, मैं अब आपको एग्जैक्ट साइज दिखाऊं ना, ये देखिए मुड़ी हुई है बेचारी। अब हम लोगों ने जाना है पापा के साथ। हाँ जी, आपके साथ जाना है। मैं नहीं जा रहा हूं। तो फिर हीरा के साथ जाऊंगी, स्टोर जाना मुझे काम से। हाँ, ओ माय गॉड, तो आज मुझे लगता है इफ्तारी में स्ट्रॉबेरी शुक्र है। ये अच्छा, ये वाली स्ट्रॉबेरीज इतनी माशाल्लाह अच्छी होती है ना, पापा लेके आते हैं, मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से लेके आती हैं, ये जो हीरा लेके आती है गंदा फ्रूट। चेक कर रही हो तुम के ये इन स्ट्रॉबेरीज में और जो तुम लाई उसमें कितना फर्क था। खराब थी लेकिन मैंने कहा था तुमकी हेल्प करनी है तो ले लो। फ्रूट वालों की हेल्प करनी थी, ओके करनी थी तो ले ली मामा। तुम क्या बनाने लगी हो, शामी बना रही हो इफ्तारी के लिए? अभी से तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। मम्मा को तो मैंने बताया ही नहीं कि मैंने किस सिलसिले में निकलना है, और डैडी को भी नहीं ऐसे बताया था, इसलिए डैडी खुद ही निकल गए। यार मैंने ना आज जाना है राशन लेने के लिए। दीदी तो ऐसी पलटी है। हाँ तुम रहने दो, अभी भाई गाइस 3:30 हुए हैं इस वक्त, 5 बजे तक मुझे घर आना। चलो मेरा शूट खत्म हुआ है, तो इस महारानी का शूट है, ये यहाँ बैठी हुई है। ये बेचारे कैक्टस को, ये वाला बोलता है एक बच्चों का वो आया था ना आगे से, इसको उंगली लगाना था जवानो, इसको पकड़ो अभी तुम्हें वो काटी जाएगा। पकड़ो, गाना तो नहीं ना सुन रही, कानों में क्या लगाया, सिर्फ पिक्चर पिक्चर की खातिर कानों में बच्चे इयररिंग्स पहनने की बजाय आजकल ये पहनते हैं। तो अच्छा कौन सी सुन रही हो? खुसरवी ही अच्छी लगी ना। उफ, ऊपर से आज मौसम को इतना खूबसूरत है कि ये जो सीन है ना ये। सो गाइस, हमने इफ्तारी कर ली थी, नमाज मैंने पढ़ ली, और एकदम से मैंने चेंज भी कर लिया, बिल्कुल मैं उसमें मटक मटक के नहीं घूम सकती थी। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है इफ्तारी में, मुझे था कि ट्रैफिक बहुत हो जाएगी अगर मैं जाती हूँ लेने के लिए, और वैसे भी बहुत ज्यादा रश होता है इफ्तार से पहले और सबने जाना होता, तो अगर मुझे टाइम लग गया तो मेरी इफ्तारी बाहर ना कहीं मुझे करनी पड़े। तो हम लोग इफ्तार के बाद अब जा रहे हैं, ठीक है। तो हीरा प्रो मैक्स जो है ना, ये प्यारी शॉल्स वॉल्स लेके निकलने लगी है। हाँ, इसको सुबह सुबह पापा कह के, सुबह सुबह नहीं भाई, इफ्तार से पहले डैडी कह गए थे कि ये साथ लेके जाएगी। तो आर यू रेडी? यस। बाकियों को तो निकाल यार, बाकियों को ये यार, ये जो राबिया है ना, बहुत प्यारा मौसम, मेरा दिल कर रहा है मैं ऐसे ऐसे करके घूमूं। आई डोंट नो।
तो राबिया मम्मा जैनब फातिमा आपको पता है एजुअल चप्पल है तुमने खुद क्या पहना खुद तो तुमने फैंस की दी हुई जूते पहने हुए चला हाँ हीरा एक शायरी सुनाना चाह रही है अपने दुपट्टे से पढ़ के ढूंढा उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती अच्छा ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले वाह वफा शायद खराब लोगों में मिले अच्छे लोगों में ना मिले अब एक शेर मैं सुना देती हूँ बनाकर छोड़ देते हैं अपनी जात का आदि कुछ लोग यूं भी इंतकाम लेते हैं बनाकर छोड़ देते हैं अपनी जात का आदि कुछ लोग यूं भी इंतकाम लेते हैं क्या चलो मेरी माँ रह रही है मैं उनको लेके आती हूँ ये लोग बहुत टाइम लगा रही हैं ओके मम्मी जल्दी 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 चलो लाइट्स बंद करो राबिया ज़ैनब आप सुने लाइट्स बंद करो जल्दी से और वो हमारा ड्राइवर जो है वो गाड़ी में जाके बैठ चुका है वही चप्पल पहना ही ना मैं गाइस क्या बुराई है इस चप्पल में ठीक तो है पिंक पिंक मैच हो रहा है आज मैंने ना अपनी अम्मी का सूट पहना चलो ड्राइवर प्रो मैक्स चालू हो जाओ जल्दी जल्दी गर्ल्स पीछे बैठी हैं गर्ल्स कैसे गो हूँ तुम गो मम्मा भी गर्ल है तुम गो होगी तो हम साथ ऑटोमेटिकली गो हो जाए हाँ जी तुम क्या लेट्स गो तुम चलोगी तो हम खुद ही चल पड़ी है ना साथ फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं और मेरी बहनें तो आगे आगे जैसे सारा राशन तो राबिया ने लेना हीरा बेचारी हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया ये हमारा प्रो मैक्स ड्राइवर पहन की जूती वाला राबिया दिल्ली आपको पता है इंग्लिश इंग्लिश क्या कहते हैं नहीं पता इंग्लिश कब सीखेंगे आप यहाँ से हम लोग एक एक चीज लेंगे और बॉक्सेस बनवाएंगे आप लोग अपने नाम की चीज करो और हम लोग अपने मतलब की चीज लेते हैं नहीं तुम लोग कुछ मतलब नहीं कर सकते मानो नॉट अलाउड यार एक तो इन बहनों को साथ ले आता है हमेशा घर पे तक क्या नाम है आपका छुड़वा रहा है अभी तो ये फैन था हाथ छुड़वा रहे हो लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता मैं तो आपकी आप ही लगी ना लड़की तो नहीं ना फिर भी शर्मा गया देखता पूरा पूरा ए मानो इधर आ तुम उसको बहुत अच्छी लगती हो उसको इसको शुक्र है इसको भी कोई कहता है ये अच्छी लगती है अब तो तुम उसको क्यूट कहोगी ये तुम्हें किसने भरने के लिए कहा है मेरे दिल ने भरने के मैंने गरीबों के लिए राशन बनवा चलो इसको देखो जरा लेने कुछ आए और ये यहाँ पे इसका लिपस्टिक्स पे खड़े होना परमानेंट है सबको पहले बताया था मेकअप 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 फाइनली हमने राशन का पैक बनवा लिया है आटा जामेशी बेसन घी ये नमक है ऑयल है और चीनी दाल खजूरे मिर्चें अब बस इसके हम बनवाना स्टार्ट करते हैं बॉक्सेस यहाँ हमारे जो है ना वो राशन बॉक्सेस जो है वो रेडी हो रहे हैं चलो राबिया ने लगता है आपको भी ले आओ हाय कर दें ये पहन लेना ईद पे ये येलो वो डोरामोन वैसे यहाँ पे ना जूते अच्छे लगे क्यूट खुस्से है क्यूट क्यूट है सॉफ्ट है चलो साथ खुस्सा साथ जूस पार्टिकल हाँ दिखाओ 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 वो बेचारी का खुस्सा लग गया जब पाओ आपके बहुत बड़े हों डोरेमोन जितने लेकिन आपका खुस्सा छोटा हो इसके जितना तो आपको खुस्सा चुभेगा यार राबिया बता दे क्रापी की शादी कब हो रही है अच्छा कपड़े बनाने हैं राबिया तेरे लिए एक बियर पसंद आया मुझे ये भी पेन फातिमा अब मैं आपको बताने लगी हूँ एक सीक्रेट और वो ये कि आप जिस स्टूल पे बैठी हुई उस स्टूल पे बैठने की बजाय उनके शीशे से भरे बर्तन जिसमें बड़े उसमें बैठ गई थी आके यहाँ पे ना हमें इतने इतने कप मिले हैं मुझे ये नहीं समझ आ रही क्रॉकरी वाले आपका कितना पीना होना तो इस कप में पीजिए इसको कहते हैं चुल्लू भर चाय में डूब मरे मेरी मम्मा तो जब यहाँ आती हैं सेलिब्रिटी बन जाती हैं अम्मा को तो चाय मिल रही है यार देखे जाओ अपना कार्यक्रम पूरा कर लिया तो अब मुझे घर ले जाओ इसको देखो जरा ये चाय हमें भूल गया वो कह रहे हैं कि आप प्यारी बच्ची हो इसलिए मैं लगी ना मैंने फुल मेकअप किया कि मैंने नहीं किया सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है मेरे पास है शुक्र है यहाँ से हमें ओरिजिनल परफ्यूम मिले हमने यहाँ से परफ्यूम भी ले लिया वरना हर जगह जाओ ना नकली परफ्यूम ब्रांड के नाम पे चूना लग रहा होता है यहाँ में चूना नहीं लगा हम लोग जो है वो अपने बॉक्स में चावल और चाय की पत्ती भी ऐड करवाने लगे हैं क्योंकि वो मेरे एकदम जहन में आया कि चावल भी बहुत जरूरी है यहाँ जितने बॉक्सेस हमने बनवाए थे सबकी डाइसेक्शन शुरू होने लगी है चलो जी बेसन चाय की पत्ती खजूर घी दाल चीनी चाट मसाला स्पाइसेस जामेशीरी नमक चावल डन परफेक्ट लॉक कर दिया जाए
है। लेकिन गाइस हम फ्राइज खाएंगे, मुझे बहुत दिल चाह रहा था इतने देर से मायो फ्राइज खाने का। देखो कितने राशन बैग जो है वो कुछ यहाँ से तकसीम करके चले जाएंगे और कुछ हम घर लेके जाएंगे। अब मम्मा जो है ना वो यहाँ पे खड़ी हो गई है और यहाँ का आपको, ये बच्चे बहुत मेहनती हैं, सारे बहुत काम करते हैं। एक दो हाय 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 और वो एक फोटोज वाले सब बहुत काम पे लगे हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा बच्चा है, इसने बहुत अच्छा काम किया और फोटोज भी लिए हैं सबके साथ। क्या समस्या पेश है? रबिया तुमने मुझे कार्ड मेरा निकाल के पॉकेट से दिया, उस टाइम देखो तुमने कहीं गिरा तो नहीं लिया था? और मम्मा ये पैसे घुमा के आ गई है और वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ पे काम सारा जारी है। और ये जो है वो आज यहीं से ही हम लोग दे देंगे और मेरी बहनों को भी मैंने बर्गर डोनेट किए हैं। गाइस पैसे जाया करवाने हो गए तो अपने साथ रबिया को ले लें। चाबीस लिया, देखो मिले पैसे। मैं पागल हूँ ना तुम्हारे से जमीन पर ढूंढो, मेरे पास और कोई काम नहीं करने को। हमारा ये सारा सामान, ये जो बाकी के बॉक्सेस हैं जो हमने घर लेके जाने हैं वो हमारे जा रहे हैं। आटा आटे आटे शटे आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है बारात जा रही है। एक लैम्बोर्गिनी, एक BMW, एक ऑडी और एक पता नहीं क्या, और एक मेरी मॉम। ओह माय गॉड, ये देखो यहाँ बैठ के अंडा बर्गर पार्टी कर रही है। मैंने भी खाने आ रही हूँ, मैं सामान रखवाना यार डिक्की में, मम्मा अकेले लगे। उठो देखते हैं ये हमारी गाड़ी की डिक्की में पूरा आता है या नहीं। इन सब के लिए एक टास्क है, ये सारा पूरा कर दिया है, अब ये बंद हो जाए बस अल्लाह अल्लाह करके। बाकी वो इतना सारा वो कहाँ रखेंगे? छत पे नहीं मैं बांध दी, ट्राला थोड़ी है, मेरे बाप ने मेरे घर से निकाल देना है। सुबह मंगवा लेंगे फिर बाकी का सामान। अस्तगफिरुल्लाह, खाने की खुशबू यार मुझे भी दे दो प्लीज कुछ। यार बताओ शवारमा इनका मजे का कि अंडे वाला बर्गर, इतनी सी गाड़ी है। मुझे भी, मैंने पता नहीं कितने टाइम से खाना नहीं खाया। मुझसे मुझे भी यही हाल है। मम्मा आपने सारा तो इधर सामान रख दिया है। आई अल्लाह मैं कहाँ बैठूं, देखो जरा मैं नीचे गिर रहा हूं। तेरे ना तेरे, नथिंग कैन रिप्लेस अंडे वाला बर्गर। यहाँ पीछे से हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, ड्राइविंग कैसे करेगी नाड़ी। पापा की गाड़ी का क्या हाल हो गया, कैचअप और कैचअप और कैचअप। लोग कहते शॉपिंग में बड़ा मजा आता है, शॉपिंग में मजा तो आता है लेकिन टांगे अभी थक जाती हैं। बाकी सारे वो शॉपर्स डिस्ट्रीब्यूट करके जो बॉक्सेस अब लेके जाने वाले थे सबको जो है ना वो दो दो चौपर दिए, इन सब में दो 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 करके अब सुबह जो अपने आस पास के लोग हैं जैसे मेड्स वगैरह उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो जी अब जो है वो बाकी जो डिब्बे थे क्योंकि आगे स्पेस नहीं बन रही थी पीछे से, वो डिब्बे हम लोगों ने करवाए हैं रिमूव। वो जो है वो पापा सुबह लेके जाएंगे क्योंकि गाड़ी बहुत। व्हाट्स योर नेम? अनमता। मिलने आई है, मैं आ रही हूँ बाहर आपसे मिलने। अच्छा इसीलिए आप आए, चलो मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। जब इनको पैसे ना मिले, जब इनके 500 गुम हो जाएं तो फिर क्या होता है जी, इजी पैसा कर रहे होते हैं पैसे। अब हम बस फसा के निकलने लगे हैं घर के लिए। मानो ये कार्ड है साथ, बूम बूम भाई बस बस। शॉपर पैक तो जैसे मम्मी ने बैठ के होत किया था। इनकी बहन बहुत फैन है जिनका नाम है राबिया। ये मेरी बहन राबिया नहीं, ये पागल राबिया है, वो अच्छी राबिया है ठीक है। उसके लिए मैसेज है मेरा, थैंक यू सो मच। आपकी आपके भाई भी और बहन मुझे मैसेज दे रहे हैं कि हमारी बहन को मैसेज दे दे, वो बहुत फैन है। यार राबिया तुमने उसको पैसे दे दिए जिसको देने थे? दोनों गाय बनाए, ये मेरा वाला है। ये वाला ट्रेन में जो राबिया ने बोलते थे दिया था। नो इट्स टू गुड, देखो इट्स ईद पे यही लगाना ठीक है, इसके अलावा किसी और ब्लशन पर हाथ लगाया तो मैं पकड़ के पीटूंगी तुमको। हम फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं, गाड़ी की चाबी मेरे बैग में और मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत हो रही इसलिए मैं इसके करीब जाके खड़ी हुई हूँ। ड्राइवर प्रो मैक्स के निकलने का वेट कर रही हूँ। ना 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 दिखाओ यार, राबिया को तंग करने का प्रो मैक्स मजा। राबिया को देखो, राबिया अंदर जाना है हम लोगों ने ठीक है। आप इधर आओ। हाँ फाइनली मैं आ गई हूँ, चाबी मैंने उसको दे दी है और गो होते हैं। ये दरवाज़ा नहीं बंद करना, चलो ये भी एक टास्क है जिंदगी का। थक गई हूँ मैं बहुत 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 ज्यादा। चलो जी अब हम घर आए हैं तो ये फातिमा मैडम ने पहले से ही पिज्जा मंगवाया हुआ है, ये मैं बाद में खाऊंगी, अभी मेरा पेट बिल्कुल डन हो चुका है। अंदर सब अपनी अपनी मस्ती में मसरूफ है, मेरा तो नींद से बुरी हालत हो रही है, ज्यादा थक गई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल डैडी जो है वो बाकी का सामान ले आएंगे। आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा डोनेशन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करें, अपनी हैसियत के मुताबिक करें और सबके लिए दुआ करें। मुझे अपनी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।